आज सुनो ना, शुरू हो गए हैं। आज रात सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए, -15 टेम्परेचर में, वो भी खुद के कैप में, स्लीपिंग बैग में सोना। 20 मिनट लगे हैं, उसको देखता रहा हूँ ऐसे ऐसे बैठ के, कैसे सबसे बोरिंग टाइम ब्रो। भाई नहीं हो रहा भाई मेरे से, अब बस हो गया भाई, ये बिल्कुल बर्फ बन चुका है भाई, ये बिल्कुल जम चुका है, ये देख लो बर्फ है, ये सोच लो बर्फ के अंदर सो रहा हूँ मैं। आप जब यहाँ पे आओ ना तो पता चलेगा यहाँ कितनी ज्यादा ठंडा है ब्रो, -15 टेम्परेचर सौखा नहीं होता। आप लोग वहाँ पे चंडीगढ़ के पास में +15 टेम्परेचर रहता तो हाँ जी भाई लोग, राधे राधे। कभी आपने इतनी हसीन वादियों में चावल धोए हैं? मैं धो रहा हूँ, ये देखो ये भाई चावल धो रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे चावल बनाने हैं, सुबह कुछ खाया नहीं है तो अभी खुद से बनाऊंगा, खुद से खाऊंगा। ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी बिल्कुल वहाँ सामने बांसपारी वगैरह वहीं से आ रहा है, बिल्कुल साफ पानी है, इसको पी भी सकते हो, लेकिन पानी बहुत ठंडा पानी है भाई, इतना ठंडा कि हमारे हाथ सुन हो जाएंगे, लेकिन धोना तो पड़ेगा चावलों को बनाने के लिए। मम्मी आप भी देख रहे हो मैं कौन से काम कर रहा हूँ यहाँ पे करने पड़ते हैं भाई, अगर कुछ खाना पीना है यहाँ पे तो। सोलो कैंपिंग करना ईजी नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं जो आसान होते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, स्पेशली ठंड में, -15 के टेम्परेचर में, इस हसीन वादियों में इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ। तो फाइनली धुल चुके हैं चावल, साफ हो चुके हैं, एक बार और धो लेता हूँ। पानी की बोतल मैंने भर लिया जो मुझे चाहिए, एक और शेकर है वो भी भर लेता हूँ मैं अभी, और फिर अपन बनाते हैं अपने कैंप में जाके चावल आराम से। आए तो पानी भर के मिले हैं वो अपने कैंप में, और ये चावल, ये मेरे कैंप के सामने का व्यू है, ये देख लो भाई, और अंदर से इस तरह से सारा सामान रख दिया मैंने, इतनी अच्छी जगह भी यहाँ पर सोना है अपने को। ये हवा बहुत तेज है तो उड़ रहा है, देख लो ये, मेरे को पत्थर रखना पड़ेगा यहाँ पर, एडजस्ट करना पड़ेगा एक बारी, ये बाद में कर लूँगा, अभी मैं बना लेता हूँ कुछ, खा लेता हूँ, सुबह का भूखा कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत लग रही है, अभी चावल बनाता हूँ, फिर दाल मखनी गर्म कर लूँगा, रेडी टू ईट वाली है वो, बस गर्म ही करनी है तो बनी हुई है बस, वो 5 दिन से पड़ी हुई है, मैंने कहा बना लेते ख़त्म करते हैं एक चीज़, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान कम होता रहेगा ना तो मेरा बैग इतना जो भारी है वो हल्का होता जाएगा, तभी मैं बाहर इतना ज़्यादा नहीं खा रहा जितना मैं खुद अपने बैग से निकाल के खा रहा हूँ। ये जो बुटेन गैस है ये मैं 3 बोतलें लाया था, एक बड़ी वाली ऐसी 2 छोटी वाली, अभी ये पड़ी है आधी, ये वही यूज़ करती थी सांगला में, और काफ़ी अच्छी इसकी जो वो है ना 1-2 घंटे चलने वाली, मेरे को लगता है 2.5-3 घंटे आराम से निकाल जाएगी। सांगला में मैंने यूज़ करी थी इसका, काफ़ी टाइम यूज़ किया मैंने, कॉफ़ी बनाई थी, चावल बनाए थे, 2 बारी मैगी बनाई थी, काफ़ी अच्छा यूज़ है, लेकिन अभी थोड़ी भारी है तो ये चल जाएगी 1 घंटा और मुझे लगता है, बाकी मैं बनाता हूँ इसके बाद, देखते हैं कितनी बचती है ये, तो अपन बना लेते हैं पहले। लो जी तो मेरे चावल बन रहे हैं फाइनली, और मैंने इसमें नमक, मिर्च और सोयाबीन डाल दिया है, बस ये थोड़ा सा अभी उबलेंगे तो फिर मैं इसको ढक दूंगा प्लेट से ताकि जल्दी बन जाए। यहाँ अंदर बिल्कुल हवा नहीं आ रही, और स्पेशली इस गैस की वजह से यहाँ पूरे कैंप के अंदर पूरी गर्माहट हो गई है, मेरे को लग रहा है मुझे जैकेट उतारनी पड़ेगी, बिल्कुल 1% भी हवा नहीं लग रही बाहर की, बहुत मतलब बढ़िया हो गया अंदर का मौसम। रात का भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा जला लूंगा ताकि ठंड से बच जाऊंगा, वैसे ठंड लगेगी तो नहीं क्योंकि मेरे पास मेरा स्लीपिंग बैग है पड़ा। और ये है दाल मखनी जो मैं लाया था अपने साथ में, रेडी टू ईट वाली, मैं 2 कंपनी के लाया था, 1 कंपनी की तो घर में पका के खा गया था, और 1 कंपनी के साथ लिया मैंने घर में, यहाँ पे ट्राई करेंगे तो अपन ये चावल बन जाएंगे, इसको चावल को प्लेट में डाल देंगे, फिर इसको गर्म करेंगे, इसका टेस्ट बताएंगे कैसा है। पहली बार खा रहा हूँ कैंप में, एक बारी घर में बनाया था उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा था, तो ये किसी और कंपनी की है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। तो बस थोड़े से बन रहे हैं, थोड़ा सा उबल रहे हैं, ये मुझे लगता है 20 मिनट बन जाएंगे, क्योंकि अब तो हवा आ नहीं रही बिल्कुल अंदर, क्योंकि सांगला में जब था कैंपिंग में वहाँ पे हवा आ रही थी तो 15-20 मिनट के इसको आधा पौना घंटा लग गया था, क्योंकि हवा आ रही थी, गैस फुल पे किया हुआ था, यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं आ रही तो सही से बन जाएंगे जल्दी। तो अपन वेट करते हैं इसका बनने का और फिर खाते हैं आराम से, मज़े से करते हैं इस व्यू को इन्जॉय, और चावल और दाल मखनी को, है ना। फिर भैया यार करो एडवेंचर, करो कुछ ऐसा जिसमें थोड़ा मन लगे, यहाँ घर में बैठ के क्या करते हो यार, कुछ करो जिंदगी में तकड़ा, ऐसा करो जिससे मतलब रूह खुश हो जाए। तो फाइनली मेरे चावल बन चुके हैं यहाँ पर, और मेरी दाल भी बन चुकी है बिल्कुल, बस गर्मी करनी थी, गर्म बिल्कुल हो चुकी है, और इसको करते हैं बंद। अब हम खाएंगे दाल मखनी के साथ चावल, क्या बात है, वो भी अपनी मेहनत से बनाए हुए। भैया पहली बार कर रहा हूँ, बड़ा मतलब मजा सा आ रहा था, मतलब देखते देखते इसको, एक तो चावल बनते हुए 25-20 मिनट लगे हैं, उसको देखता रहा हूँ ऐसे ऐसे बैठ के, कैसे सबसे बोरिंग टाइम ब्रो,
तो इसको देखा, फिर अब दाल तो 5 मिनट की बात है, इसको गर्म करना था बस। तो अपन हम इसको खाते हैं, आपको बताते हैं कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है इसका, ठीक है। तो करते हैं टेस्ट दाल चावल का, दाल मखनी और चावल का। अभी गर्म है यार, मेरा मुँह ना जल दे, ध्यान से खाऊंगा। तो पहला चम्मच, 1 2 3 गो। नॉट बैड ब्रो, अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसा नहीं है कि जैसे 5-स्टार होटल में होता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है। दाल मखनी का टेस्ट बिल्कुल दाल मखनी जैसा ही है, और चावल का टेस्ट तो चावल जैसा ही होता है। परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट, मज़ा आ गया। पहली बार ही बनाया है और पहली बार ही मज़ा आ गया। ये वाली दाल मखनी सही है, फन ब्रो फन, मज़ा आ गया। अब पेट भर गया मेरा अच्छे से, रात को देखेंगे मैगी बनानी है या नहीं बनानी। अभी के लिए तो हो गया। चलो यार, लोग बोल रहे थे कि भाई तुम सोलो आए हो, इतना सारा सामान बैग लेके आए हो, वो भी बस पे। मैंने कहा भाई हिम्मत है, कह रहा भैया सल्यूट है भाई सच में, क्योंकि इतना सारा सामान उठाना वो भी अकेले, स्पेशली बस पे कई बार उतारना, कहाँ उठाना बार बार, बहुत मुश्किल काम है। कह रहा भैया आपको सल्यूट है। फिर कुछ कोई लोग बोलता था, कोई बंदे बोलते थे कि भैया आपकी बॉडी है ना तो आप लोग इतना उठा सकते हो, हमारी बॉडी नहीं है, हम तो पतले, हम तो मर जाएंगे। मैंने कहा यार हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पहली बात तो पागलपन होना चाहिए इसके खिलाफ। पागलपन इस मामले में पागलपन होएंगे ना तभी आप ये काम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। वरना आम बंदा थोड़ी बनाएगा ऐसे काम करेगा, आम बंदा बोलेगा तो दाल मखनी की प्लेट लगाओ और दर दे, मैं नहीं बनाता। ये तो हमारे ऐसे लोग कर सकते हैं जिनको पागलपन है, जिनको जुनून सवार होता है ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे काम करने का। तो यही सीन होता है, जिनको पागलपन है, ये जुनून सवार है पहाड़ों के बीच में ऐसे सोलो कैंपिंग करने का, खाना बनाने का, वो कर सकता है। जो आम बंदा है जो होटल पर जाके खाने वाला है, वो नहीं कर सकता। अब दो बंदे मेरे साथ मेरे को मिले थे दोस्तों में, उन्होंने बाहर खाया था खाना, उन्होंने कौन सा खुद बनाया था, मैंने खुद बनाया, मैंने खाया। चलो सही है, जिसको जो अच्छा लगता है वही करे, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं वो कर रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करो भाई को। मैं खा लेता हूँ आराम से, फिर अपन बात करते हैं। देखता हूँ मेरे पीछे जो इतने सारे कैंप्स हैं, कोई वहाँ पे टूरिस्ट आया या नहीं आया। अगर आ जाएगा तो रात को अच्छे से गप्पे मारेंगे, बैठेंगे, नहीं आया तो अकेले थे, अकेले जाएंगे, अकेले खुश हैं। तो अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, बस सूरज देवता जाने वाले हैं सामने बिल्कुल, और फिर यहाँ और ठंड हो जाएगी भाई, गजब हो रहा है। मेरा टेंट यहाँ कब से बैठा था, धूप सेक रहा था मजे से, और कुछ रील्स बना रहा था और कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहा था। मेरे सामने ही है वो हिंदुस्तान की आखिरी चाय वाली दुकान, जहाँ सुबह चाय पी थी, और वहाँ कुछ लोगों ने अपना कैंप लगाया, आपके सामने जो स्कॉर्पियो भी आ रखे हैं। बस भाई ये हमारा इंडिया का फ्लैग फैला रहा है यहाँ पे, मजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ रील्स बनाई अच्छी, देखो जाकर, बहुत मस्त है। आज सुनना शुरू हो गए, आज रात सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए, -15 टेम्परेचर में, वो भी खुद के कैंप में स्लीपिंग बैग में सोना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए आज। फाइनली जो सोचा था वो होने वाला है, देखते हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं इनको बोल दूंगा, भैया को, भैया मेरे से नहीं हो रहा, इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अंदर सुला दो वहाँ पे कैंप में। बाकी देखते हैं, पता नहीं क्या होता है कैसे होता है, सो जाएंगे वैसे तो, बाकी रब जाने क्या होता है क्या नहीं। हैव फन गाइस, एंजॉय लाइफ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, शाम के 5 बजने वाले हैं, और देख लो यहाँ पे सारी धूप चली गई है यहाँ से। पहले यहाँ पे धूप थी इतनी सारी, अब यहाँ सूरज देवता से छिप चुके हैं हमारे, और अब सारे वहाँ से धूप जाते 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 खत्म हो जाएगी, और फिर ठंड शुरू, भयंकर ठंड शुरू। अब इसे हाथ सुन्न हो गए हैं, मैं तो फटाफट से थोड़ी देर में फ़ोन चार्ज करके यहाँ पे वहाँ कैंप के अंदर घुस जाऊँगा, अपना स्लीपिंग बैग खोल लूँगा। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे को ज़्यादा ठंड लगे, मैं पहले घुस के बैठ जाऊँगा स्लीपिंग के अंदर। रात बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप जब यहाँ पे आओ ना तो पता चलेगा यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है ब्रो। -15 टेम्परेचर सौखा नहीं होता। आप लोग वहाँ पे चंडीगढ़ के पास में +15 टेम्परेचर रहता तो ऐसे हिल रहे होते हो, यहाँ पे -15 है ब्रो। हिम्मत चाहिए, हिम्मत, ठीक है। वो सामने व्यू देखो कितना सुंदर है,
यहाँ आप बोलते हो कि बार बार देखो व्यू कितना सुंदर है, व्यू कितना सुंदर है। अरे यहाँ पे ऐसी जगह पे व्यू ही सुंदर देखने वाला होता है और एडवेंचर होता है। और क्या ही दिखाऊं मैं आपको, है ना। तो ये बात है, बाकी की स्टोरी रात को देखते हैं, हो सका कैप्चर करने की कोशिश पूरी करूंगा और आपको दिखाऊंगा ना कि हाँ सोया हूँ वहाँ पे। आप लोग सोचोगे कहीं झूठ बोल रहा है, वहाँ सोया नहीं है, वहाँ सो के बैठ गया। नहीं भाई, रात को वहीं आऊँगा अंदर और वीडियो बनाऊँगा, देख लेना एंड तक देखना, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ स्टार्टिंग में ये अलग बल हुआ है। तो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ और ये सारा सामान खिलरा हुआ है मेरे सामने। और मैंने बिल्कुल अभी चलाया स्टोव अपना और मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी। ये मैंने इसके अंदर सूखा जो दूध होता है पाउडर, जो क्रीम आती है वो डाल दिया और यहाँ बस कॉफ़ी बन रही है। भाई अभी सीन हो गया था भाई बहुत बड़ा। ये देखो मैंने अंदर क्या डाला हुआ यहाँ पर, ये देखो भाई, ये देखो ये बुटेन गैस। मेरा यहाँ पे कवर खुला हुआ था कैंप का और मैं वहाँ पे था, वहाँ पे ओनर के साथ बैठा था, वहाँ पे उनके साथ गप्पे मारा था और वहाँ पे हीटर चलाया हुआ था, हाथ से कर रहा था। ये 5-6 घंटे से खुला हुआ था तो भाई इतनी ठंडा यहाँ पे माइनस टेम्परेचर में ये जम गया था अंदर। तो मैं कहूँ मेरा स्टोव चल क्यों नहीं रहा, तो इसलिए चल नहीं रहा था वो। मैंने नई जो है ये गैस की बोतल निकाली है अपनी, ये वाली, तो मैंने इसको ढका हुआ हल्का सा कपड़े से, तो अब ये चला है। इसको मैंने अंदर डाल लिया ताकि थोड़ी इसको हीट मिल जाए, ताकि जो अंदर इसके गैस है वो थोड़ी पिघल जाए। भाई मैं तो डर गया था यार मेरे स्टोव को क्या हो गया भाई, यहाँ इतनी ठंड है। देखो आपके एग्जाम्पल आपके सामने है, वो चल नहीं रहा, मैंने अंदर डाला हुआ है, मैं कह थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो जाए ताकि वो चल जाए। क्या यार भाई बच गया भाई, ये तो शुक्र है मेरे पास एक्स्ट्रा है पड़ी, वरना तो कांड हो जाता। ये गर्म हो गया, बस इसको अपन डालते हैं कॉफ़ी बनाते हैं आराम से, बंद कर देता हूँ बस, हो गया। भाई मैं डर गया था कसम से भाई, कसम से। ये बन चढ़ गया भाई, क्या बात है, क्या बात है, मेड बाय अंशुल गेरा। भाई कॉफ़ी लाजवाब बनी है और साथ में खा रहे हैं अपन बिस्कुट। और मैं इसको चलने दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी जो है गर्माहट हो जाए कैंप में, मेरे को ठंड ना लगे। पहली बात ये कि यहाँ पे एक खासियत है, दिन में इतनी तेज़ हवा थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कितना कैंप उड़ रहा था मेरा, इतनी तेज़ हवा थी, और रात को बिल्कुल भी हवा नहीं है, 0%। यहाँ की एक खासियत है, भैया ने बताया था कि यहाँ पे रात को हवा अपने आप बंद हो जाती है। मैंने कहा वाह गजब भाई, भूख लग रही है अब तो। अब ये पीने के बाद मैं बनाऊंगा बेलपुड़ी, जो बेलपुड़ी वाली नमकीन होती है वो अपने साथ लाया था मैं, और उसको खोल के बीच में टमाटर काटेंगे, प्याज काटेंगे। नींबू मेरे ख़राब हो चुके हैं, फेंक दिए मैंने, वरना वो डालता तो मज़ा आया था। तो अपन वो बनाएंगे, बीच में थोड़ी सी पीनट्स डाल देंगे, तो वही खाएंगे आज, वही खा के सो जाएंगे। क्या मस्त भाई, इससे बिल्कुल गर्माहट हो गया मेरे कैप में, मेरे को ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। आज मेरे को एक बात समझ में आ गई, लेकिन इसको इस जो बोतल को ऐसे खाली नहीं छोड़ना, या बैग के अंदर डाल के रखूँगा या फिर किसी कपड़े में बांध के रखूँगा, ये तो माइनस टेम्परेचर में तो जम जाएगी, मैं भूखा मर जाऊँगा, कुछ बना नहीं पाऊँगा, कॉफ़ी बना नहीं पाऊँगा। अगर सुबह मेरे को कॉफ़ी बनानी है 5-6 बजे उठकर, इसको मैं बैग के अंदर रख के सोऊंगा, ऐसे बाहर नहीं रखूंगा भाई, ये पता लग गया। सांगला में ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ है, चितकुल में ज़्यादा ठंडा है, मैं आपको पहले ही कह रहा था, है ना। तो अपन ये पी लेते हैं कॉफ़ी, इसके बाद मैं बनाता हूँ बेलपुड़ी, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके लो जी, हमारी बेलपुड़ी तैयार हो चुकी है फाइनली। मैं पहला बंदा होऊंगा जो सोलो कैंपिंग के अंदर बेलपुड़ी खा रहा होऊंगा। तो इसमें मैंने डाला है मूंगफली जो कि रोस्टेड थी, मैं अपने साथ लाया था, ये रही, और छोले भी लाया था। और इसमें मूंगफली है, वो बेलपुड़ी वाली नमकीन है आपके सामने, और प्याज डाला है और टमाटर डाला है। प्याज मैं अपने साथ लाया था, टमाटर मैंने यहाँ पे ओनर से ले लिया भैया जो होटल है यहाँ पे। और नींबू मेरे ख़राब हो गए थे, मैंने फेंक दिए, वरना इसमें नींबू डालता ना, ओए होए होए क्या मज़ा ही आया था भाई यहाँ पे। एनीवेज जो भी है सही है, बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल मज़ेदार, तीखी तीखी मज़ा आ जाएगा खा के आज, सही है भाई। कभी आपने ट्राई किया ऐसे, किसी ने कभी खाई है सोलो कैंपिंग है? सोलो क्या छोड़ो, ऐसे किसी भी कैंपिंग के अंदर आपने बेलपुड़ी खाई है? नहीं खाई होगी ब्रो, ऐसे कैसे, ये सिर्फ हम कारनामा कर सकते हैं, सिर्फ हम ही, कोई और नहीं कर सकता, सही है ना। तो अभी टाइम हो चुका है रात के, टाइम हो गया है 8:42 और बस अभी खाऊंगा आराम से, 9 बजे तक फ्री हो गया, आराम से स्लीपिंग बैग के अंदर पड़ जाऊँगा और सो जाऊँगा। देखते हैं आज रात कैसे गुजरती है हमारी। सुबह यहाँ पीछे 2 कैंप की बुकिंग है, भैया ने बताया दिल्ली से आ रहे हैं कुछ लड़कियाँ हैं, और तो भैया साथ बहुत गप्पे मारी है हमने, कल बताएंगे आपको कैसे कैसे मज़े करे हैं अपने हीटर के साथ बैठ के। तो अभी के लिए खाता हूँ मैं आराम से, इन्जॉय करता हूँ इसको। अगर आज मैं सोलो कैंपिंग में इस बेलपुड़ी का आनंद उठा पा रहा हूँ तो इसका जो क्रेडिट है वो मेरे को ही जाता है,
क्योंकि इतना सारा सामान उठाकर आना सोलो कैंपिंग में हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर आपको ऐसे कारनामे करने होते हैं, ऐसे तरह तरह के पकवान खाने होते हैं, तो इसको उठाकर आना बहुत अपने आप में बड़ी खूबी होती है भाई। बहुत सारा सामान है मेरे पास और सोलो कैंपिंग में इतना सारा सामान उठा रहा है वो भी बस पे, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ऐसे अगर कारनामे करने हैं तो हिम्मत जुटाओ अपने अंदर। रात के 10:51 हो रहे हैं और मैंने स्लीपिंग बैग खोल लिया अपना। अपन बिल्कुल अंदर पैक हो चुके हैं, ठंड बहुत है भाई। मेरे को हाथ सुन्न हो रखे हैं, मैं एडिटिंग कर रहा था एक्चुअली, तो हाथ मेरे सुन्न हो रखे हैं। है भाई साहब, क्या लगता है भाई, रात कट जाएगी या नहीं कटेगी? तुम्हारा भाई रात काट लेगा या नहीं, क्या लगता है? हो जाएगा, ठाकुर जी भगवान अपने साथ हैं, सब सही हो जाएगा। आज की रात 11 बज चुके हैं, बस सुबह 6-7 बजे का इंतजार कर रहे हैं, बस 6-7 घंटे और बस, और जो ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो बस मैं सोता हूँ आराम से, कोशिश करता हूँ कि जल्दी नींद आ जाए मेरे को। ऐसी जगहों पर नींद थोड़ी लेट ही आती है, अगर आती है तो फिर तंग करके आती है, या फिर 12 बजे सोऊंगा फिर 2 बजे जाग हो जाएगी, फिर 2 बजे सोऊंगा फिर 4 बजे जाग हो जाएगी, यही होता है। लेकिन नींद थोड़ी अच्छी आ जाती है, तो बस सोता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको सोलो कैंपिंग पसंद है, ऐसा एडवेंचर पसंद है, रिस्क लेना -15 टेम्परेचर में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड हैव फन गाइस, एंजॉय योर लाइफ। तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, अगर मेरी जाग हुई, मैं नया सो पाया या कुछ हुआ, तो फिर मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर सो गया, नींद आ गई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, हैव फन। जब आपको गुड नाइट बोला था उस टाइम 11 बजे थे, और अभी टाइम देख लो 12:50, तब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, सो ही नहीं पा रहा यार। कब से लौटा हूँ आँखें बंद करके, पता नहीं क्या क्यों नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठंड है लेकिन मुझे नहीं लग रही ठंड, लेकिन पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही यार। भाई 1 बजने वाला है क्या यार, आई डोंट नो ब्रो, नींद क्यों नहीं आ रही, देखता हूँ। नहीं हो रहा भाई, अब नहीं हो रहा मेरे से भाई। 3:27 हो चुके हैं, लास्ट मैंने आपसे बात 1 बजे करी थी, अब 3:30 बज चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया, और मेरे पैर बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं, पता नहीं गर्म क्यों नहीं हो रहे भाई, समझ नहीं आ रही, ठंड बढ़ती जा रही है भाई। ईजी नहीं है भाई इतने -डाउन टेम्परेचर में सोलो कैंपिंग में बाहर ठंड में सोना, ईजी नहीं है भाई। ये जो कैंप का कवर है ना, ये बिल्कुल बर्फ बन चुका है भाई, ये बिल्कुल जम चुका है, ये देख लो बर्फ है, ये सोच लो बर्फ के अंदर सो रहा हूँ मैं। टाइम देख देख के बिता रहा हूँ, फिर कब सुबह के 6-7 बजे की और धूप आएगी, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मेरा टास्क खत्म होगा ये। इतना झेल लिया है मैंने, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, हर किसी के बस का नहीं होता ये। सही है जो है, अभी देखता हूँ गैस जला लेता हूँ तो गर्माहट फील हो जाएगा मेरे को बढ़िया। बस 3:30 हो गए हैं, 6-7 बजे की देर है, तगड़ा एडवेंचर हो गया भाई आज तो, देखते हैं भाई।